सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्बिट। ऑर्बिट के बाद हम आई पढ़ेंगे और एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स को भी पढ़ेंगे। ऑर्बिट के बारे में आपने याद रखना है कि एक पिरामिडल कैविटी होती है, इसकी जो बेस होती है ना वो एंटीरियरली फेस करती है, जबकि जो इसकी एपेक्स होती है वो पोस्टीरियरली फेस करती है। अब हमने पढ़ना है कि ये जो ऑर्बिट है पूरे का पूरा, इसके मार्जिन भी तो हैं, तो ये ऑर्बिटल मार्जिन किन बोन से बनते हैं? सुपीरियर मार्जिन, इन्फीरियर मार्जिन, लेटरल मार्जिन और मीडियल मार्जिन कहाँ से बनते हैं? फिर हम वॉल्स की बात करेंगे। मार्जिन का मतलब सिर्फ मार्जिन है, और वॉल जो है वो हमारे पास पूरी एक मतलब सरफेस टाइप चीज आ जाती है जो हमने पढ़नी है, ठीक है? तो मार्जिन में अगर हम आप पहले डायग्राम को देख लेंगे तो आपको मार्जिन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। मार्जिन सिर्फ ये वाली चीजें हैं, ठीक है? तो मार्जिन अगर आप देखेंगे तो जो सुपीरियर मार्जिन है वो कहां से बन रहा है? वो फ्रंटल बोन बना रही है। उसके अलावा अगर हम लेटरल मार्जिन की बात करेंगे तो कौन बना रहा है? फ्रंटल एंड जाइगोमैटिक बोन की लेटरल मार्जिन बना रही है। अगर हम इन्फीरियर मार्जिन की बात करेंगे तो जाइगोमैटिक और मैक्सिला से इन्फीरियर मार्जिन बनता है, और मीडियल की बात करेंगे तो मैक्सिला और फ्रंटल से मीडियल मार्जिन बनता है। अगेन सुपीरियर फ्रंटल लेटरल पे फ्रंटल एंड जाइगोमैटिक, इन्फीरियरली जाइगोमैटिक एंड मैक्सिला एंड मीडियली मैक्सिला एंड फ्रंटल। तो ये हो गए हमारे पास चारों मार्जिन। मार्जिन के बाद हम बात करेंगे कि इसकी वॉल्स जो बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं। तो अगेन यहाँ पे सुपीरियर वॉल है, लेटरल वॉल है, इन्फीरियर वॉल है और मीडियल वॉल है। सबसे पहले अगर हम बात करें सुपीरियर वॉल की, तो सुपीरियर वॉल में आपको मिल रही है फ्रंटल बोन, ठीक है? और जो हमारे पास स्फीनॉइड है उसका क्या मिल रहा है सुपीरियर वॉल में? लेसर विंग मिल रहा है, ठीक है? इन दोनों, इस वॉल का क्या मकसद होता है कि ये वॉल ना ऑर्बिट को सेपरेट करती है इंटीरियर क्रेनियल फोसा से भी और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब से भी, ठीक है? अब अगर हम लेटरल वॉल की बात करेंगे तो लेटरल वॉल हमारे पास कैसे बन रही है? ये लेटरल वॉल है सारी की सारी। लेटरल वॉल कैसे बन रही है? जाइगोमैटिक से और स्फीनॉइड के ग्रेटर प्रोसेस से हमारे पास क्या बनती है? लेटरल वॉल। अब बात करते हैं इन्फीरियर वॉल की, तो इन्फीरियर वॉल में मेजर पार्ट हमारे पास कहां से बन रहा है? मैक्सिला से बन रहा है, और थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है जाइगोमैटिक, ठीक है? अब अगर हम मीडियल वॉल की बात करेंगे तो मीडियल वॉल में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जाइगोमैटिक भी है, एथमॉइड बोन भी है, अंदर की तरफ से ये स्फीनॉइड बोन भी पूरी की पूरी मीडियल वॉल बना रही है, जबकि लैक्रिमल बॉन्ड भी होती है, ठीक है? वॉल्स ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस ऑर्बिटल कैविटी में कितनी ओपनिंग्स हैं और उन ओपनिंग्स से क्या पास हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई हमारे पास सुपीरियर वॉल, ये हो गई हमारे पास लेटर वॉल, इन्फीरियर वॉल होगी और मीडियल वॉल होगी, जिसके अंदर हमने क्या देख लिया? मैक्सिला भी देख लिया, एथमॉइड भी देख ली, स्फीनॉइड भी देख ली और लैक्रिमल भी होती है। अब बात करते हैं ओपनिंग्स की। सबसे पहली ओपनिंग जो है वो ऑर्बिटल ओपनिंग है, लार्जर ओपनिंग है, जो हमारे पास इस ऑर्बिट की बेस में पड़ी हुई है, और इसी ओपनिंग के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है फेस के साथ। जहां पे हमारी आंख पड़ी हुई है वो आंख खुलती है, तो वो ऑर्बिटल ओपनिंग है पूरी की पूरी, ठीक है? ये जो बेस में ओपनिंग मौजूद है पूरी की पूरी। अब फर्दर ओपनिंग्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ओपनिंग आपने याद रखनी है वो यहां पे होती है हमारे पास सुपरा ऑर्बिटल नॉच, ठीक है? कौन सी होती है? सुपरा ऑर्बिटल नॉच होती है। ये यूं करके होती है, जो हमारे पास सुपर सिलरी आर्चेस है ना उनके अराउंड, नॉच वो चीज होती है जो यू शेप्ड होती है, जिसमें से किसी चीज ने पास होना होता है, ठीक है? और केनाल हमारे पास जो है वो लेंथी वाली होती है, जबकि हमारे पास जो ग्रूव होती है वो फॉरो और डीप होती है, ठीक है? और अगर हम बात करेंगे फीजर की, तो फीजर भी ऐसे गहराई में होता है, सही है? तो यहां पर हमारे पास क्या पड़ी हुई होती है? सुपरा ऑर्बिटल नॉच पड़ी हुई होती, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें से सुपरा ऑर्बिटल नर्व्स और वेसल्स गुजरती हैं, ठीक है? सुपरा ऑर्बिटल नॉच कहां पे पड़ी हुई है? सुपीरियर मार्जिन पे। अगर हम इंफीरियर फ्लोर की तरफ आएंगे, इसको रोफ भी कहते हैं, इसको फ्लोर भी कहते हैं, फ्लोर पे यहां पे पड़ा हुआ होता है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव, ठीक है? क्योंकि अब ये गहराई में भी होता है, तो इसलिए हम इसको इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव या किनार बोलते हैं। और यहां से क्या गुजरती है? इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स और वेसल्स गुजरती हैं, सुपरा ऑर्बिटल एंड इंफ्रा ऑर्बिटल हो गया। थर्ड चीज जो होती है वो होती है नेजो लैक्रिमल किनार। ये जो हमने मीडियल सरफेस पे लैक्रिमल बोन पड़ी है ना, इसके अंदर हमारे पास जो लैक्रिमल बोन है उसके अंदर होती है नेजो लैक्रिमल किनाल, और उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वहां से गुजरती है लैक्रिमल डक्ट और कम्युनिकेशन क्रिएट होता है इन्फीरियर मिएटस ऑफ नोज के साथ। अब मिएटसिस क्या होते हैं, वैसे आप नोज के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि नोज के अंदर ना तीन कॉनका पड़े होते हैं, सुपीरियर कॉनका, मिडिल कॉनका और इन्फीरियर कॉनका। इन कॉनका के नीचे जो जगह होती है उसको मिएटिस बोलते हैं, सुपीरियर के नीचे सुपीरियर मिएटिस, यहाँ पे मिडिल मिएटिस और यहाँ पे इन्फीरियर मिएटिस, ठीक है? तो जो नेजो लैक्रिमल केनाल है वहां से नेजो लैक्रिमल डक्ट भी गुजरती है, और साथ ही साथ क्या भी कम्युनिकेशन होता है इन्फीरियर मिएटिस के साथ, ठीक है? नेजो लैक्रिमल केनाल के बाद हमारे पास आ जाती है एथमॉइड बोन, एंड एथमॉइड बोन के अंदर भी दो केनाल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामिना, और उनमें से इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व्स गुजरती हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें जाइगोमैटिक बोन की, तो इस जाइगोमैटिक बोन पे भी दो हमारे पास फोरामिनास पड़े हुए होते हैं, एक होता है जाइगोमैटिको फेशियल फोरामिना और जाइगोमैटिको टेम्पोरल फोरामिना, और इन दोनों में से जाइगोमैटिको फेशियल नर्व एंड जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व्स गुजरती हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ गई है, ये दो फीजर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये है हमारे पास सुपीरियर फीजर और ये है हमारे पास इंफीरियर ऑर्बिटल फीजर, ठीक है? ये जो इंफीरियर ऑर्बिटल फीजर है, ये आपको पता है किसके दरमियान में पड़ा हुआ है? मैक्सिला के और स्फीनॉइड के ग्रेटर प्रोसेस के दरमियान में ये आपको नजर आ रहा है इंफीरियर ऑर्बिटल फीजर, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहां से मैक्सिलरी नर्व की दो ब्रांचेस इंफ्रा ऑर्बिटल और
जाइगोमैटिक ब्रांच गुजरती है, उसके साथ साथ सिंपैथेटिक नर्व और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन भी गुजरती है। ये चार चीजें यहां से गुजरती हैं। अब जो हम बात करेंगे सुपीरियर ऑर्बिटल फीजर की, तो ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फीजर है ये स्फीनॉइड के दोनों विंग, ग्रेटर और लेसर विंग के दरमियान में पड़ी हुई है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर से हमारे पास आपने याद रखना है C3 थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, फिफ्थ की एक ब्रांच और सिक्स क्रेनियल नर्व गुजरती है। क्या क्या गुजरती है सुपीरियर ऑर्बिटल फीजर में से? थर्ड क्रेनियल नर्व, ओक्यूलो मोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, फिफ्थ की ब्रांच, सिक्स अब्डूसर नर्व गुजरती है और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन भी गुजरती है। लास्ट हमारे पास आ जाती है ये जो हमारे पास स्फीनॉइड की लेसर विंग है, इसके ऊपर भी एक केनाल नजर आ रही है आपको जिसको ऑप्टिक केनाल बोलते हैं। इसमें से ऑप्टिक केनाल और ऑप्थेल्मिक आर्टरी गुजरती है। तो जो चीजें जिस केनाल में से और जिसमें से गुजरती हैं वो आपने याद रखनी है। ये हमारे पास क्या था? सुपरा ऑर्बिटल नॉर्च थी, ये हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल नॉर्च थी। ठीक है, ये हमारे पास सुपरा ऑर्बिटल फीजर था, ये हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल फीजर है, ये हमारे पास ऑप्टिक केनाल है। बाकी एथमॉइड के अंदर हमने इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामिना पड़े हैं। लैक्रिमल बोन के अंदर नेजो लैक्रिमल केनाल पड़ी है जहां से नेजो लैक्रिमल डक्ट गुजरेगी। और जाइगोमैटिक बोन के ऊपर जाइगोमैटिको फेशियल फोरामिना एंड जाइगोमैटिको टेम्पोरल फोरामिना पड़ा है। तो ये चीजें आपने लिख लेनी है कहीं पे साइड पे कि किस में से क्या चीज गुजर रही है, इंपॉर्टेंट है। देन ऑर्बिटल फेशिया के बारे में बताया हुआ है। सिर्फ ये पेरिओस्टियम है बोन का जो ऑर्बिट की वॉल बनाता है, ये लूजली अटैच हुआ होता है बोन्स के साथ और कंटिन्यू करता है फोरामिन और फीजर में से पेरिओस्टियम के साथ, उस पेरिओस्टियम के साथ जो कि बोन्स के आउटर सरफेस को कवर करता है।